नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी होता है। यातायात अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग इस सुरक्षा नियम का पालन करें, इसके लिए विभिन्न नियमों को निर्धारित किया है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि ऐसे कई लोग हैं जो कानून का पालन करने से इनकार करते हैं। आपने पुलिस द्वारा बिना हेलमेट के टू व्हीलर गाड़ी चला रहे लोगों को रोकते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इस मामले में पुलिस ने हेलमेट पहनकर टू व्हीलर गाड़ी चलाते हुए माँ बेटी को रोक लिया है, जिसके पीछे की वजह जानकर आप भी पुलिस की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकार यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए चाहे जितने नियम बना ले, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। ट्रैफिक नियम तोड़ना अपनी शान समझते हैं। हर रोज सड़क पर बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट में कई लोगों की मौत हो जाती है। वजह होती है हेलमेट ना पहनना। पुलिस वाले भी अभियान चलाकर हेलमेट ना पहनने वालों का चालान करते हैं, लेकिन इसके बाद भी रोड पर बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में यूपी के देवरिया जिले के एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को एक माँ और बच्ची मिली। इंस्पेक्टर दोनों माँ बच्ची के फैन हो गए। बच्ची की माँ स्कूटी चला रही थी, उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था। आगे की तरफ बच्ची थी, उसने भी हेलमेट लगाया हुआ था। ये भी कोई काम चलाओ नहीं, पूरा प्रॉपर। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देवरिया के वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर माँ और बच्ची को रोककर उनकी तारीफ कर रहे हैं, रोड के प्रति जागरूकता के लिए उन्हें सराह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि बड़े होकर ये बनना वो बनना। आपको भी इन वीडियो में इन इंस्पेक्टर की खुशी देखनी चाहिए। आपको और आपके मम्मी को दिल से बहुत सारी बधाई। आप लोग देवरिया का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। और देवरिया में अभी तक हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, एक लोग नहीं हेलमेट लगा रहे थे। और अपने आप अच्छे माँ बाप की अच्छी संतान है। मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप हमारे देश की बहुत बड़ी IPS बने, IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, तो बहुत अच्छा बने। और मेरी बहुत सारी दुआएं। और अगली बार यहाँ पे डीएम साहब ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने वाले हैं जो लोग डबल हेलमेट लगाते हैं। और स्पेशली जब ऐसी माँ अपनी बेटी को ऐसे हेलमेट लगा के जब जा रही हैं, इसको देख के मन बहुत ही प्रसन्न होगा। किसी को जो लोग वीडियो देखेंगे उनको लगेगा कि हाँ, देवरिया बदल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोग इनको देख के जो खुद भी हेलमेट लगाई है और अपनी अब इतनी प्यारी सी बेटी को हेलमेट लगाई है, ऐसी इतनी प्यारी आपकी भी बेटी होगी। मुझे लगता है कि बेटी के लिए आप लोग हेलमेट लगाइए। और आपको आने वाले समय में और डीएम साहब यहाँ के कप्तान साहब एक विशेष मन से सम्मानित करेंगे। ऐसे जो लोग अपने बच्चों के साथ या डबल लोग जाते हैं हेलमेट लगाते हैं, उनके लिए सम्मान का विषय होगा। और बेटी के लिए स्पेशल मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्राइज आपको भी मेरे लिए होगा। और कितनी तरह पढ़ती हैं आप? तेजस्वी पढ़ते हैं। एक दिन मैं आपके विद्यालय में आऊंगा और वहीं पे आपको एक गिफ्ट दूंगा। अच्छा सर, ठीक है। किसी बात के लिए सर, पूरे स्कूल सामने। विद्यालय इनका कहाँ पे है? तेजस्वी, चलो मैं ढूंढ लूंगा उनका वहाँ पे। ओहो, है, बेस्ट ऑफ लक। और बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद आपको, ठीक है। ओके, खुशी है। ओके, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।